जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अधिकांशतः देवी पूजन में इस मंत्र को बोला जाता है। कोई भी देवी पूजन करते हैं, किसी भी देवी जी की, चाहे वो काली मां की पूजा करो, चाहे दुर्गा मां की करो, चाहे वो बीजासन मां की करो, चाहे वो मदान वाली मां की करो, चाहे चौगान वाली मां की करो, किसी भी देवी जी की जब पूजा की जाती है तो यह मंत्र अवश्य बोला जाता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। तो यह मंत्र क्यों बोलते हैं और इस मंत्र का अर्थ क्या? इस मंत्र में संस्कृत भी कम है, इसीलिए ये अधिकतर मनुष्यों के जीवन पर भी चढ़ जाता है, दिल दिमाग पर भी चढ़ जाता है और बोलते भी हैं। तो बेसिकली यह मंत्र नहीं है, यह स्तुति का एक भाग है। इस दो लाइन की स्तुति में 11 देवी जी के नाम को मिलाकर के बनाया गया है। यदि आप इसमें गिनेंगे तो जयंती देवी, मंगला देवी, काली देवी, भद्रकाली देवी, कपालिनी देवी, दुर्गा देवी, क्षमा देवी, शिवा देवी, धात्री देवी, स्वाहा देवी, सदा देवी, ये 11 देवियों के नाम इस मंत्र में जोड़े गए हैं। यानी एक बार यदि इस मंत्र को बोल दी जाए, इस स्तुति के इस भाग को बोल दी जाए, यानी कि आपने 11 देवियों के नाम एक बार में ले लिए, यानी इन 11 देवियों की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस स्तुति के इस भाग को रोजाना जप करो। इस मंत्र को, इस स्तुति के इस भाग को बोलने के लिए किसी गुरु से गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्र नहीं है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। और जो मनुष्य इस मंत्र को बोलता है उसे विजय श्री प्राप्त होती है, बंधन मुक्ति मिल जाता है, सुख मिलता है, क्लेश का नाश हो जाता है, अपराध क्षमा हो जाते हैं, पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश हो जाता है, कल्याण हो जाता है, पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्वाहा और स्वधा दो देवियों के नाम भी है। जो स्वाहा देवी नाम की देवी है वह देवताओं को भविष्य ले जाने का काम करती है, और स्वधा नाम की जो देवी है वो पितरों तक भविष्य ले जाने का काम करती है, इसलिए इस मंत्र से पितर भी प्रसन्न होते हैं। यानी प्रत्येक देवी का अलग अलग कार्य है, और उस देवी जी को याद करोगे तो वो आपका कार्य अवश्य करेगी जो उनको दिया गया है। इसको आप प्रैक्टिकल करके देखो, इसको याद कर लो और बोल के देखो रोज, आधा घंटा एक घंटा रोज, फिर देखिए आपके जीवन में कितना आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। प्रैक्टिकल करो। आप सोचते हो कि कोई पंडित जी आकर के आपके यहां जप कर दे, आप जप क्यों नहीं कर सकते? सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके स्नान ध्यान करके आप इस स्तुति का पाठ करें, और सप्ताह में एक दिन बैठ करके इसका हवन भी करें। नींबू से हवन करें, लौंग से हवन करें, काली मिर्ची से करें, इलायची से करें, पीली सरसों से करना, काली राई से करना, मिश्री से करना है, उड़द से भी करना है, घी से भी करना है, शहद से भी करना है, और विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियां होती है उनके पाउडर से भी हवन करना चाहिए, जैसे कि अगर तगर छार छबीली कपूर काचली कपूर जायफल जावित्री जटामासी खोपरा पंचमेवा, और भी इसके अलावा कुछ नवग्रह की लकड़ी होती है उनको भी शामिल कर लें। तो यह 11 देवियों के नाम वाला जो स्तुति है बहुत शक्तिशाली है। अब जैसे हम पहले बोलते हैं ओम जयंती, यानी जयंती देवी, यह देवी आपको सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी बनाने का काम करती है, इसलिए इसको जयंती देवी बोला जाता है। मंगला देवी, यह देवी
बार बार बुलाने पर, आह्वान करने पर अपने भक्तों को जन्म मरण और संसार के बंधन को दूर कर देती, यानी मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए मंगला देवी बोला जाता है, यानी मंगल का काम करने का काम करती है। मां काली जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपने ग्रास बना लेती है, यानी मोक्ष देने वाली है। मंगला देवी भी मोक्ष देती है, मां काली भी मोक्ष देती है। इसलिए मां जिस मनुष्य को अपने जीवन में मोक्ष की अभिलाषा हो, दोबारा से पुनर्जन्म की वो आशा नहीं करता हो और उसे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, तो उसे मां काली की पूजन अर्चन करना चाहिए और मां काली को ही इष्ट बना करके उनके नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्ते, ये भी स्तुति है, कोई मंत्र नहीं है। भद्रकाली भक्तों को सुख देने का काम करती है भद्रकाली मां। कपालिनी देवी हाथों में कपाल रखने वाली मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करती है। श्री दुर्गा देवी जो अपने लिए, जो आपके लिए दुसाध्य है उसे प्राप्त करवा देती है, वह दुर्गा देवी है। जो आप कभी सोच नहीं सकते थे वो चीज भी आपको प्राप्त करा सकती है। ओम रीम दुम दुर्गाय नमः। क्षमा देवी आपके अपराध को क्षमा करने वाली है, पिछले जन्म के पाप कर्मों को माफी दिलवाने का काम करती है, वह क्षमा देवी है। शिवा कल्याण करने वाली है। धात्री सभी आपको प्रपंचों को, आप प्रपंचों से आपको दूर रखने का काम करती है, वह धात्री देवी है। और स्वाहा देवी जो देवताओं तक हवन की शक्ति पहुंचाने वाली है, और स्वधा देवी जो पितृ प्रसन्न करते हैं, यानी आपके द्वारा दिए गए हविष्य को पितरों तक पहुंचाने का काम करती है, उसे स्वधा देवी कहा जाता है। तो इसमें जो 11 देवियों के नाम लिए, मैंने उन 11 देवियों का वर्णन भी आपको बता दिया है कि इस स्तुति को रोजाना कम से कम आधे घंटे तक जप करना चाहिए, आपके जीवन में भयंकर परिवर्तन आ जाएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। बस इसको कंटिन्यू लगातार कम से कम आधा घंटा एक घंटा जप करते रहो। मतलब यह एक ऐसी स्तुति है दो लाइन की जिससे आपके 11 काम बनते हैं। तो आप इसको याद करके क्यों नहीं जप करते हो? क्योंकि जीवन में यही 11 काम ही तो चाहिए। और आप इस मंत्र का, इस स्तुति का जप नहीं करते हो, स्तुति का गान नहीं करते हो, यह बहुत बड़ी विडंबना है। हो सकता है आपके पिताजी या माताजी के द्वारा या आपके गुरुओं के द्वारा यह ज्ञान नहीं दिया गया, परंतु अब यदि आपको यह ज्ञान मिल रहा है और आपको मिल गया, तो आप अपने घर परिवार के अन्य सदस्य को भी ज्ञान दे सकते हो। जो मनुष्य दुखी हो, जो व्यक्ति दरिद्री हो, जो व्यक्ति परेशान हाल हो, उसे इस 11 नाम का अवश्य उच्चारण करते रहना चाहिए। यदि भूत प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई चीज ऐसी चिपक गई है जो नकारात्मक है, तो इसका बार 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 पाठन और जप करने से और हवन करने से निश्चित तौर से वो शक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा का काम कर रही है आपके शरीर के साथ में, वो हट जाती है। मेरा धर्म था कि आपको जो है दुर्गा सप्तशती के इस रहस्यमय ज्ञान को मैं बता सकूं। मैंने आपको बताया, अब आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। इस मंत्र का पाठ करने से, इस स्तुति का पाठ करने से आपकी कुल देवी भी प्रसन्न होती है। चाहे आपको नहीं मालूम कि आपकी कुल देवी कौन है, फिर भी यदि आप इसको जप करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी कुल देवी भी प्रसन्न हो जाती है। पिछले जन्म के पाप कर्म और इस जन्म के पाप कर्मों का नाश होता है। तो अभी भी सोचो, समझो, विचारो और अमल कर लो उस चीज को, अपने अंगीकार कर लीजिए, अपने विचारों में उतार लीजिए कि मुझे ये आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को रोजाना जप करना है।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। मुझे उम्मीद है कि यदि आप अपनी बाधा से परेशान हैं, पीड़ित हैं, या मां भगवती जगत जननी दुर्गा जी को मानते हो, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती या दुर्गा जी की आह्वान करते हो, नवरात्रि में उपवास रहते हो, तो हमारे द्वारा लिखी गई गुप्त सप्तशती, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, नवरात्रि रहस्य, नव दुर्गा रहस्य, ये किताब अवश्य प्राप्त करोगे। इस किताब में हमने मां भगवती जगत जननी के सभी रहस्यमयी चीजों को शामिल किया है कि नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, नव दुर्गा कैसे मनाना चाहिए, रात को ही पाठ क्यों करना चाहिए, रात को ही जप तप क्यों करना चाहिए, नवरात्रि में विवाह क्यों नहीं करते हैं, ज्वारे कैसे लगाना चाहिए, विसर्जन कैसे करना चाहिए, मूर्ति कैसे बिठाना चाहिए, और नवरात्रि में किस किस देवी की कब कब और किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, भोग किस प्रकार से लगाना चाहिए, किस किस चीज की बलि मां भगवती स्वीकार करती है, ये सब हमने इस किताब के अंतर्गत दिया है। तो आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती रहस्य, नवरात्रि रहस्य, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती और गुप्त सप्तशती, ये किताब का नाम है। आप चाहें तो किताब हमसे मंगा सकते हैं। इस किताब में आपको नवरात्रि और नव दुर्गा से संबंधित ए टू जेड आइटम इसके अंतर्गत मिलेंगे कि दीपक भी लगाते हैं तो दीपक कब लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए, किस माला से जप करना चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, प्रथम दिन किस किस की पूजा करना चाहिए और 9 दिन तक रोजाना किस किस देवी जी की पूजा करना चाहिए, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, कन्या पूजन कब करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कब कराना चाहिए, किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए और किन कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का वरण कैसे करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं, ये सब चीज हमने इसके अंदर लिखा है। आप चाहें तो ये किताब हमसे मंगा सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 और 7649862712, ये दो व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप मैसेज के माध्यम से संपर्क करके किताब प्राप्त कर सकते हैं। और भी ऐसे दुर्गा सप्तशती के बहुत से रहस्यमय मंत्र हैं, इन मंत्रों का जप करके आप अपना जीवन को सुखी बना सकते हो, समृद्धशाली बना सकते हो और परेशानियों को कम कर सकते हो। तो आप नियम कानून का पालन करें, क्योंकि आप नवरात्रि तो मनाते हैं परंतु नवरात्रि का फल नहीं मिलता। तो क्यों नवरात्रि का फल नहीं मिलता? यदि आप चंडी यज्ञ कराते हैं तो चंडी यज्ञ का फल क्यों नहीं मिलता? ये सब बातें हमने इस किताब के अंतर्गत लिखी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मिणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः।